फूल तो सब जगह सारे टाइम अलग। ओह माय गॉड यार, क्या बोला क्या चल रहा है फोटो सेशन भाई। और ये बगल मेरा ब्रह्मा मंदिर। ये देखो भाई पुष्कर का जो मार्केट है। जयपुर से 3.5 घंटे की शॉर्ट ड्राइव के बाद हम पहुंच गए थे अजमेर। और यहाँ से अब पुष्कर की जो डिस्टेंस था वो था सिर्फ 10 किलोमीटर, जो कि हमारे रिसोर्ट की तरफ हमें जाना था। पुष्कर में हमने एक ऐसा रिसोर्ट बुक किया था जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट था। वैसे अजमेर में आना सागर जैसे आता है तो इधर राइट साइड में आपको पड़ता है पुष्कर और लेफ़्ट साइड में पड़ती है आपको दरगाह। तो हमें जाना था भाई पुष्कर की तरफ, तो हम निकल जाते हैं पुष्कर के लिए। हम अजमेर से निकल गए पुष्कर। अजमेर से पुष्कर के लिए जो छोटा सा स्ट्रेच है ये पहाड़ों को काट कर बनाया गया है। और यहाँ पे सावन की वजह से बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थी जो आपको चारों तरफ दिखाई देगी। और यहाँ पे हमें हमारे बाकी के मेंबर्स सामने से ही मिल जाते हैं आते हुए, जो कि जोधपुर से आए थे। मंजिल उधर अपनी है, लेकिन वो सामने जो है अपनी मंजिल है। पानी भरा हुआ पूरा, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा घूम कर आना पड़ा द कंट्री साइड रिसोर्ट पुष्कर में। ये है इनके हट शेप वाले रूम्स, काफ़ी सही लग रहे हैं मुझे तो भाई देख के। और इनके यहाँ काम चल रहा है जिस वजह से हमारे को एलोकेट नहीं किए रूम। 101 यहाँ से स्टार्ट होता है इनका रूम। ये अच्छे थे ना, छोटे से और वो ऑथेंटिक। अरे लेकिन अभी काम चल रहा है ना सभी, तभी तो कह रहा है वो ओपन है। देखो वाह यार शानदार रूम है। वैसे मैंने ऑनलाइन जो देखे थे ना वो यही देखे थे, ये वाले रूम, ये हट शेप के अंदर बने हुए हैं। और भाई 1200-1500 रुपये में आपको क्या ही मिलेगा रिसॉर्ट। ये देखो स्पेशियस। ठीक है, एक्चुअली ये सारे के सारे खाली है, इनका काम चल रहा है अभी। सारे रूम ही खाली है। कहाँ 110 तक है ना? हाँ ये रहा 110। तो सबसे पहले भाई अपने को ये रूम दिखाए थे। ऐसे तो रूम बहुत बड़े हैं। ये देखो वॉशरूम भी दिखा देता हूँ लगे हाथ। ये वॉशरूम है, बंद करो भाई। और ये पीछे जो है गुलाब की खेती होती है। देखो व्यू तो बड़ा शानदार है। ओह माय गॉड, आजा आजा फोकस में आ। आराम से आप ठहरो, मज़े लो। इधर से उधर का यार नहीं है एक्सेस, नहीं वो तो बीच में तो स्पेस। हाँ ऊपर साहब ये कहाँ के डम्बल है इतने बड़े बड़े। वेट लिफ्टिंग करो तुम, शानदार यार। और भाई यहाँ पे आने के लिए अभी बरसात में देखो पानी देखो कैसे भर जाता है, जिस वजह से हम आ ही नहीं सके। ये रोड है, ये पूरा का पूरा जो भरा हुआ है इधर तक पानी, जिस वजह से बंद हो गया था। और किसी की शादी ब्याह का रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे होती है एनिवर्सरी, किसी का रिसेप्शन करना हो तो वो यहाँ पे होता है। तो ये देखो ये अभी पूल साफ़ सफाई चल रही है, फिल्टर ऑन है पूल के। ये गार्डन इतना बड़ा, पूल तो अलाउड है, पूल तो सब जगह सारे टाइम अलाउड है। ये देखो भाई पूल एकदम क्लीन है, शानदार। वो लिख रहा होगा ना पूल्स के रूल, ये भाई इनके पूल के रूल है, सुबह 8 से रात को 8 बजे तक। और पूल अभी साफ़ करने का प्रोसेस चल रहा है। पानी तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है क्योंकि तली हमारे को दिखाई दे रही है। अभी घास की कटिंग हो रही है, ये देखो। और सबसे बढ़िया बात यहाँ पे पीस है। दूसरा यहाँ पे यार पुष्कर मतलब 15 मिनट के डिस्टेंस पे सारा कुछ, जो माता का मंदिर है वो सामने पहाड़ी पे दिखाई दे रहा है, उधर हमारे को वो रहा मंदिर सामने, और पुष्कर लेक यहाँ से 15 मिनट के डिस्टेंस पे है। तो सारी चीज़ें हैं, लोकल अट्रैक्शंस वो सब कुछ आसपास ही है। और ये देखो इतना शानदार जो है रिसोर्ट आपको मिल जाता है बजट के अंदर। ये बीच का तो छोड़ो, इसको तो आ ही नहीं सकते, उधर से आते हो तो जब हम आ रहे थे तब उधर से आ रहे थे, लेकिन क्या है ये पानी भरा हुआ है, आपको दिख रहा होगा रोड पे, जिस वजह से हम यहाँ से नहीं आ सके तो घूम कर आना पड़ा। और रिसोर्ट बहुत सारे हैं यहाँ पे। आ जाओ ऊपर आ जाओ। वाह यार, यहाँ तो रूफटॉप रेस्टोरेंट बनेगा भाई। अपन आएंगे यार, दोबारा भी आएंगे यहाँ तो, है क्या नहीं? 12-15 सालों से चल रहा है ये, 12-15 सालों से चल रहा है। कंस्ट्रक्शन में नहीं, ये तो नहीं, वो डेवलप करते रहते हैं यार, ये तो विधि का विधान है। ये देखो भाई, ये मंदिर, वो मंदिर, और सबसे बड़ा मंदिर वो है सावित्री माता का मंदिर। हाँ, वो देखो यार, अभी सावन का टाइम है तो बारिश की वजह से पानी कितना भरा हुआ हर जगह। ये जो है एक ब्रिज था जो पूरा का पूरा पानी में हो गया, और ये जितना रोड था ना, रोड भी उसके साथ मिक्स हो गया पानी के साथ ही। नीचे चले जाएंगे वो तली में। हेलो भाई, ये तो यहाँ तो प्रोग्राम सेट हो गया इनका, बच्चे नहा रहे हैं, अब हम भी नहाएंगे। नहाए फिलहाल अभी हम आ गए हैं स्विमिंग पूल से नहा धोकर, और अपना हुलिया हो चुका चेंज, और अब जा रहे हैं थोड़ा सा बाहर घूमने के लिए पुष्कर में। अभी टाइम देख लो, 7:15 हो रहे हैं। केनो भी आ चुका है रेडी होके। कैसा लगा बाबू स्विमिंग पूल में नहा के? भूख लग रही है अब? हाँ, अब खाना खाओगे भाई? अब ये भी भूखा है, खाना खाएगा हमारा भूखा शेर, और हम भी जाएंगे अभी डिनर करेंगे थोड़ा सा घूम फिर के। लाइक शेयर और सब्सक्राइब क्या करना? लाइक शेयर सब्सक्राइब कर, इसमें देख के बोल, इसमें लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू बाबू। शाम का सीन है ये भाई। अपन ने लिए 3 रूम, 208, 209 एंड 210, तो 3 रूम अपन ने लिए हैं। और ये जगह काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड है, तो यहाँ पे पीस बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, जिसको पीस पसंद है। और वैसे भी पुष्कर में बहुत सारे रिसोर्ट्स हैं, आप कहीं भी आप स्टे कर सकते हो, बट आपको अगर बजट में करना है तो कंट्री साइड इज़ द बेस्ट ऑप्शन, जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वन टाइम एक्सप्लोर करने के लिए। मिड रेंज में ये तकरीबन आपको 1300 से 1400 रुपये पर नाइट पड़ने वाला है। इस जगह का नाम है महाराणा फोर्ट, तो ये है महाराणा फोर्ट रेस्टोरेंट। यहाँ पर पार्किंग थोड़ी चार्जेबल है, थोड़ा सा ज़्यादा ही दूर है, 10-15 किलोमीटर से, लेकिन अजमेर के पास में है। ये है महाराणा प्रताप का स्टैचू। बच्चे तो अपने वहाँ चढ़ गए ऊपर खाना खाने के लिए, और टाइम देखो भी ज़्यादा नहीं हुआ है, 8 हुए हैं। ये है महाराणा प्रताप का स्टैचू, और ये देखिए आपके सामने है पूरा अजमेर शहर। इनके बाद अपन आ गए हैं भाई रेस्टोरेंट एरिया में, और यहाँ से भाई व्यू देखो, ये तो छोड़ो आप, ये व्यू देखो, पूरा अजमेर सिटी का जो है व्यू यहाँ से मिल जाता है। और वो आपको जो सामने दिखाई दे रहा है वो है आना सागर। और आज है चांदनी रात भाई। भाई ये 2 फ्लोर का जो है, इसमें जो टॉप फ्लोर है ना, वो मेरे को वर्थ इट लगा, बाकी ये पैक्ड है। पुष्कर वैसे बहुत छोटा है, इस कारण हम घूमते घूमते कब अजमेर पहुँच गए पता ही नहीं चला। जस्ट आना सागर के जस्ट सामने हम आए हैं रॉयल स्पाइस रेस्ट्रो एंड बार। भाई यहाँ का खाना भाई नंबर 1 खाना है यहाँ का, ऐसा हमने बहुत सुना है, तो आज इसको ट्राई भी कर लेते हैं। इनका जो कैप्सूल सिटिंग है ना वो भी मस्त है, देखो अंदर से। पर्सनली एक एसी है इधर, और वहाँ पर है सामने जो आपको स्ट्रेट सामने दिखाई दे रहा है वो है अना सागर, और फैमिली के लिए भी मस्त है ये सेटिंग। माइल्ड एक म्यूज़िक चल रहा है, ये देखो वो है सामने अपने आना सागर पूरा का पूरा। यहाँ की लाइट बड़ी गजब है यार, ये देखो तीन चार लाइटें। डिनर करने के बाद हम जाते हैं आना सागर की तरफ, और वहाँ की मन जो रोशनी थी उसके तो क्या ही कहने। और यहाँ पे बच्चों ने खाई आइसक्रीम और हमने ली थी कॉफ़ी। इसके बाद हमने थोड़ा सा इसका राउंड टूर किया जिसमें बहुत ही ज़्यादा आनंद आया, और काफ़ी सारे लोग जो थे यहाँ पे आए हुए थे। फ़िलहाल मैं बता दूँ कि सावन के टाइम पे इसका जो पानी था हमारे आने से 5 दिन पहले रोड तक आ रहा था, जो कि अब वापस से इस तालाब के अंदर वापस चला गया था। तो गाइस डिनर करने के बाद अपन आ रहे हैं यहाँ पे 11:39 पर। ये अपने रूम की हालत है, और भाई गेट वगैरह सब बंद हो चुके थे। हमने आवाज़ देकर मेन गेट खुलवाया इनका रिसोर्ट का, देन उसके बाद हमें इंटर कर पाए हैं। और बच्चे हमारे सो गए थे इसलिए मेरे को रिकॉर्ड करने का समय नहीं मिल सका, तो मैं उनको गोदी उठा के लेकर आया हूँ। ये देखो अंधेरा, चलो चलो चलो। The next morning. गुड मॉर्निंग। एक उधर बैठो और एक इधर बैठो, दोनों ऐसे पेड़ के ऊपर बिठा दो ना, एक को पेड़ के नीचे बिठा दो। वो अकेला बैठा है, इसको चाहिए गेम जोन, और यहाँ पे अभी गेम जोन है नहीं। क्या बेटा क्या कर रहे हो अकेले अकेले बैठ के, हैं क्या कर रहे हो? क्यों नहीं है? मैंने तो उसको कुछ भी नहीं कर रहा था। फिर क्या बात हो गई? नाराज हो गया आप? किस बात से? मुझे बैठने नहीं देगा। कोई नहीं बाबू, अभी थोड़ी देर में बैठने देगा, अभी तो उठ के आए ना। ये क्या बाबू, ये क्या है? ये नूडल्स है क्या? अर्थवॉर्म से गए। क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? दो सही बोला है। क्या बोला है तो? क्या बोला है तो बता तो सही, खा जाए। ये देखो गाइस आज सुबह का मौसम, सामने की पहाड़ी पे बिल्कुल फॉग ही फॉग है, मतलब बादल है तो फॉग ही फॉग हो गया। और यहाँ पे भी अभी 1 घंटा पहले ऐसे ही था, फॉग ही फॉग था, लेकिन मैं उठने में लेट हो गया, बट ये लोग जल्दी उठ गए थे थोड़ा सा। और रात को यार मुझे नींद ही नहीं आई, पता नहीं क्या हो गया, मुझे शोल्डर में पेन होता रहा, और सुबह 4 बजे के बाद जाके मैं सोया हूँ, और 7:30 बजे इन्होंने उठाई दिया मुझे। और अभी हमारा प्लान है कि थोड़ा सा पुष्कर घूमते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ लंच करते हुए निकलते हैं। ये अनार की खोज कर ली इन्होंने, आ गया क्या अनार? वाह कि इन्होंने यार अनार की खोज कर दी है, नाइस। तोड़ लो क्या? जब मम्मी को देकर आओ। अनारदाने जैसा हो रहा है, सूखा सूखा सा ना? अरे नहीं गीला है, रस निकल रहा, देख छींटे कैसे जा रहे हैं। ये तो सही है। क्या कह रहे हो इसमें, बोलो देख के। हम नहीं बोलेंगे, मैंने पहली बार इतना छोटा अनार बिल्कुल रेड देखा यार। ये केनो ढूंढ के लाया ये, वेरी गुड। इतना छोटा सा, और इतना बिल्कुल ही छोटा। गाइस अपन आ चुके हैं रेडी होकर स्विमिंग पूल में नहाने के लिए सुबह सुबह, और अभी 9:15 बज रहे हैं, तो हमने सोचा एक स्विमिंग पूल में डिप लगा लेते हैं थोड़ी देर। वैसे मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है अभी, सर्दी का एहसास वैसे लग रहा है, कल भी ऐसे सर्दी सी लगने लग गई थी, और अभी देखो स्विमिंग पूल कितना प्यारा लग रहा है। ये देखो अभी चल रहे हैं फिल्टर। गाइस, चेकआउट का टाइम आ चुका है। टाइम बच चुके हैं 10:03। हमारे सभी साथी रेडी हो चुके हैं। चलो भाई यार, जल्दी से हम निकलते हैं यहाँ से। ये है अपने सभी रूम्स की हालत अभी। ये है थर्ड रूम। कहाँ गई प्रियंका? लो, यहीं पर अपन ने नाश्ता वास्ता किया था और अभी देखो 10 बजे यहाँ पे कैसी धूप निकल रही है। मतलब धूप भी है और बादल भी है, फोग भी है, इस तरीके का। तो वो रहे अपने ग्रुप मेंबर्स, तो फोटो सेशन चल रहा है इनका। धूप काफ़ी तगड़ी आ गई यार। अभी सुबह 8 बजे जब हम यहाँ बैठे थे, चाय ले रहे थे, तब उस टाइम पे यहाँ पे मतलब फोग था और घास पूरी गीली थी। अभी भी गीली है वैसे तो, लेकिन जो ओस की बूंदें थी उनसे यार स्लीपर्स जो हैं वो भी गीली हो गई थी। फिलहाल अभी सब कुछ सूख चुका है और मौसम बहुत प्यारा हो चुका है। देखो अभी भी वहाँ पे फॉग है, अगर आपको दिख रहा होगा उधर अभी भी फॉग है। और वो है सावित्री माता का मंदिर ऊपर। तो हम लोग सोच तो रहे हैं कि जाएंगे, उधर जाएंगे। और इस पर रोपवे की सर्विस चालू है अभी, तो सुबह 7-8 बजे से चालू हो गई थी। दिख रहा होगा आपको, अभी रुकी हुई है। और आप लोग यकीन नहीं करोगे हमने इस प्रॉपर्टी का कितना पे किया। हमने 3 रूम किए थे मात्र 3800 रुपीज़ के अंदर। और अगर आप ब्रेकफास्ट वगैरह इंक्लूड करवाते हैं तो उसका पड़ जाता आपको अराउंड पर हेड 300 रुपीज़ आ जाता है। अगर ऑनलाइन लेते हैं तो थोड़ा महंगा पड़ता है, 350 के आसपास पड़ता है। उसमें भी टैक्स लगता है अलग से। तो ऑफलाइन आप क्वेरी करो, ऑफलाइन आओ आप, सबसे बेस्ट ये रहेगा। हो गया बाबू रेडी? वेरी गुड यार। बच्चे देखो हमारे रेडी हो गए सबसे पहले। और यहाँ पे अदर गेस्ट भी आए हुए थे काफ़ी सारे, जो रात को ही हमको दिखाई दिए। भाई वी आर फुल्ली लोडेड और गाड़ी को लोड कर देंगे अब। क्या हम यहाँ से ले रहे हैं चेकआउट, तो जो भी होगा वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। और अपनी गाड़ियाँ लग रही है उधर सामने दोनों का। चल रहा है फोटो सेशन भाई। इसी में ही हमारे को आधा घंटा लग गया। देखो 10:30 हो गए, 10:20 पे आ गए थे हम यहाँ पे। लो गाइस, अपन निकल चले प्रॉपर्टी से। यहाँ के लोकल अट्रैक्शंस को कवर करेंगे हम पुष्कर में। मम्मा दिवाली के दिन छुट्टी रहती है क्या स्कूल के? जी हाँ बेटा, आपने कितनी दिवाली मना ली आपने? दिवाली कहाँ मनाई? छोटी नदी यहाँ तो खाली पड़ा देखो। ये वो है घुमाते हैं। हाँ घुमाते हैं, जो वही है कैमल सफारी, ऐसा ही कुछ है। ये तो रिसोर्ट की तरफ से है क्या? चलो की तो बात ही अलग है। सच में गाड़ी चलाते रहो, इतने अच्छे अच्छे चीजें देखते रहो। पहाड़ियों पे आता है मजा, गहराई देखो। अरे यार वहाँ का मतलब सही में आप कहीं एनवायरनमेंट इतना अच्छा, पहाड़ जैसा फील कहीं आएगा ही नहीं। बड़े शांत होते हो, बहुत शांत होते हैं। ये अपने को उतर के राइट में निकल जाना है पुष्कर सरोवर के लिए। और ये देखो सरोवर का पानी ही आ गया पूरा। मेरे को लग रहा है खतरनाक है, ब्रिज भी कोलैप्स ना हो जाए। वो पुष्कर सरोवर है देखो उधर, पूरा मंदिर भी उधर ही है, ब्रह्मा मंदिर भी उधर ही है। और ये देखो ये रास्ता, वो सामने हमारा जो है रिसोर्ट उधर है सामने। वो जो छत दिख रही है ना, वो पूरी छत वो अपने रिसोर्ट की है। लेकिन यहाँ पे पानी भर रहा है जिस वजह से हम जा नहीं सके। देखो गाड़ी भी डूब गई उधर, एक स्कॉर्पियो दिख रही है वो डूबी हुई। तो ब्रह्मा मंदिर से पहले यहाँ पे पार्किंग पड़ रही है बहुत सारी, तो हमने लास्ट वाली पार्किंग के अंदर अपनी गाड़ी पार्क कर दी है। दूसरी गाड़ी अभी पीछे रह गई थोड़ा सा। होटल है, होटल सैंड फीस्ट। यहाँ पे रूम वगैरह भी अवेलेबल है और बढ़िया क्रिकेट खेल सकते हैं। और ये बगल में रहा ब्रह्मा मंदिर, तो पुष्कर लेक की परिक्रमा भी कर सकते हो आप उधर से। एथे लाओ, एथे एथे। भाई साहब भीड़ काफ़ी कम है अभी। वो भाई पुष्कर लेक जो है उसका जो लेवल है पूरा बढ़ चुका है अभी। देखो ऊपर तक आ चुका है, पहले भाई बहुत नीचे जाना पड़ता था और अभी देखो ऊपर तक आ गया। और मछलियाँ दिख रही है दूर से, मुझे तो आपको पास से दिखाता हूँ। लेकिन देखो फिशेस देखो और इतनी प्यारी फिशेस है। ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन यार। तो इस घाट को जाना जाता है तरणि घाट के नाम से। और यहाँ पे इसका बोर्ड भी लगा हुआ है तरणि घाट, और गेट के पास भी लिखा हुआ है तरणि घाट। मंदिर में प्रवेश करने से पहले कहते हैं कि यार ये घाट पे पहले आप विज़िट करो। और यहाँ पे आपको बहुत सारे पुजारी वगैरह मिल जाते हैं जो आपकी पूजा अर्चना करवा देते हैं, जो करने के लिए आते हैं। वहाँ पर भी बहुत सारे पंडित बैठे हुए हैं। तो देखो यहाँ पर स्नान भी करते काफ़ी सारे लोग। So this is also treated as holy water. देखो भाई मछलियाँ देखो, यहाँ पे अस्थि विसर्जन भी होता है, ये दिख रहा होगा आपको, सारी हड्डियाँ हैं, ये देखो बिल्कुल क्लीन दिख रही है इधर से तो। ये तो भाई पाँव की हड्डियाँ हैं, पता चल रहा है, देखो तो कितनी सारी पीसेज हैं, खतरनाक। चलो अब यहाँ से निकलते हैं भाई। ये देखो भाई पुष्कर का जो मार्केट है, यहाँ पे चूड़ी की दुकान और घर पे जो डेकोरेशन के लिए आइटम है वो मिलते हैं यहाँ पे। ये कुछ तलवार वगैरह जिसको चाहिए वो ले सकता है, आर्टिफिशियल घर के लिए धार लगा के नहीं देते हैं। ये जूतियों की दुकान भी आ गई। फॉरनर्स देखो अभी भी आते हैं यहाँ पे, तो कहो कि फॉरनर्स नहीं आते हैं। कहाँ से बेचेंगे? पिज़्ज़ा चलाओगे 6 महीने पहले, साल भर पहले। भाई पुष्कर वैसे बहुत छोटा सा है, तो आपको वैसे ही पास में आसपास में जिसको भी आप पूछोगे वो सब बता देगा रास्ता, और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ज़्यादा इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है। बोर्ड, साइन बोर्ड्स वगैरह लगे हुए हैं, तो आप आराम से पहुँच सकते हो। अगर चाहो तो आप सावित्री माता मंदिर जाओ, या फिर चाहो तो आप ब्रह्मा मंदिर जाओ। तो हम जा रहे भी ब्रह्मा मंदिर, और यहीं पे करेंगे ब्रेकफास्ट। शानदार बना रखा है यार। ये है पार्किंग एरिया में इनका फूड कोर्ट, शानदार है भाई। कूलर वगैरह भी चला रखा है, ये देखो नीचे बैठने के लिए भी अलग से। वाह कितनी सुंदर, लेकिन मेरे को लगता नहीं यहाँ बैठ के खाना सही है यार। देखो बैठ के खाओ यहाँ राजसी तरीके से। वाह, यहाँ पर नाश्ता करने के बाद हम निकल जाते हैं जयपुर के लिए। लो यार, दिन में आ गया अपन अजमेर के 7 वंडर्स में। रुकना